नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। पांचवा रिजल्ट सीरीज़ का स्टॉक देखिएगा टारगेट हिट कर चुका है। विप्रो की मैं बात कर रहा हूँ और जिस तरीके से आपको डेटा प्रोवाइड किया जाता है हम लोगों ने आपको बताया रखा है। 18 कंपनियों पे हम लोग का फोकस है, ये फिफ्थ स्टॉक था। सिक्स्थ स्टॉक आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और देखिएगा किस तरीके से लोग सीख रहे हैं और बिगनर्स देखिएगा क्या बढ़िया प्रॉफिट क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं बस कहना यही चाहता हूँ कि आप लोग सीखते रहिए, मनी मैनेजमेंट करते रहिए, रिस्क मैनेजमेंट करते रहिए। कभी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी, कभी नहीं होंगी। जब नहीं होंगी तब आपको उसको पेशेंटली कैसे डील करते हैं ये आपकी लर्निंग शो करती है। तो इसीलिए कहते हैं कि फेथ ऑन अस। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं दो बैंकों की बात करूंगा और उसमें देखिएगा आपको मार्केट की कंडीशन को भी कंटिन्यू वॉच करना है। यानी कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते, जब तक मान लीजिए यहाँ पे एक मोमेंटम नहीं बन जाता, तो आपको मार्केट की कंडीशन को भी देखना है। और उससे पहले मुझे लगता है 5 से 6% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यानी कि इन स्टॉक्स में 5 से 6% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिल सकता है ये आप इस वीडियो में जान जाएंगे, लेकिन आपको बहुत ही क्लैरिफाई तरीके से फोकस करना है मार्केट पे भी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में 28% की डिलीवरेबल क्वांटिटी देखने को मिल रही है। अभी मार्केट क्लोज नहीं हुआ है, मार्केट में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, निफ्टी बैंक में भी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो उसको सब कुछ भूलते हैं, लेकिन आपको फोकस कहाँ पे करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। पिछली बार इस पर्टिकुलर बैंक के रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको रिजल्ट अच्छे देखने को नहीं मिले थे। और स्टॉक ने 240 के 230 के लेवल से गिरावट शुरू करी थी और 170 का भी लेवल इसने टच किया था। तो अब स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटम बना हुआ है, मोमेंटम को आपको शॉर्ट टर्म के लिए देखना है। तो इसमें आने वाले दिनों में, अभी जैसे कि रिजल्ट डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन 18 से 25 अक्टूबर के बीच में इस कंपनी के, इस बैंक के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही रिजल्ट देखने को मिलते हैं तो वहाँ रिजल्ट में कुछ अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिल सकता है, बिल्कुल लॉजिकल बात होनी चाहिए। केवल डेटा बेस बात करेंगे, क्योंकि अगर आपको डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है तो इसके आप आगे आप रिसर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं RBL बैंक की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी आ रहा था कि सर RBL बैंक पे वीडियो कब से नहीं आया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में RBL बैंक की पहली बात करेंगे। और यहाँ पे आपको देखिएगा क्यों कहा जा रहा है कि इनके रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। डिपॉजिट इनके 17% बढ़े हैं, आप देख सकते हैं 17% का अपलिफ्टमेंट देखने को मिल रहा है डिपॉजिट्स में। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं कि पहले डिपॉजिट थे कितने, आप देख सकते हैं 64506 करोड़ के आसपास, आज देखने को मिल रहे हैं 75588। तो बिजनेस में थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर खराब आए थे क्योंकि पैंडेमिक था, इस क्वार्टर में पैंडेमिक का भी चैलेंज नहीं है। तो ये एक सेकेंड एक पर्टिकुलर ओपिनियन है मेरा, जिसके कारण बैंकों के रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। आगे अगर आप बात करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, केवल डिपॉजिट ही ग्रो नहीं हुए हैं। अगर आप कासा देखेंगे तो कासा भी 33% बढ़ा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कासा भी 33% बढ़ा है और कासा रेशियो 35% के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट से देखिएगा रिटेल ग्रोथ आती है, और रिटेल ग्रोथ अगर देखने को मिलती है तो आगे चल के बैंक इम्प्रूवमेंट भी कर सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे लिक्विडिटी कवरेज रेशियो काफ़ी अच्छा है, और देखिएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट है LCR डिपॉजिट्स में। यानी कि अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो 6% है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 42% है। तो दीज आर द रीज़न जिसके कारण देखिएगा 18 से 25 अक्टूबर जब भी देखिएगा स्टॉक की डिटेल्स आती हैं तो स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है। और आज भी आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी मार्केट क्लोज नहीं हुआ है। तो आपको समझना क्या है कि कहाँ पर स्टॉक लाई करेगा आने वाले दिनों में। तो सबसे पहले देखिएगा स्टॉक ने चलना कहाँ से शुरू करा है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिएगा हमने आपको बताया भी था 170-168 इसका बहुत ही बड़ा बेस सपोर्ट है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने स्टॉक को पिक भी किया है, लेकिन छोटी सी भी बात होती है तो स्टॉक तुरंत 185 पे आ जाता है। मतलब तुरंत इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, और कोई पर्टिकुलर अच्छा मोमेंटम मिलता है तो आने वाले दिनों में ये स्टॉक कहाँ पे देखने को मिल सकता है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको देखिएगा किन लेवल पर फोकस करना है। तो लेवल देखिएगा क्या है, 186 और 182 इसके बेस सपोर्ट हैं। जैसा कि आप जानते हैं बैक टू बैक स्टॉक यहाँ पे आता है और उसके बाद आपको ट्रेंड देखने को मिलता है।
ऊपर की तरफ 197 का अगर ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक में आपको 200 का लेवल देखने को मिलेगा और आगे भी मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इतने में ही आपके 5 से 6% के रिटर्न बन जाएंगे। तो आपको फोकस कहाँ पे करना है? आपको फोकस करना है इन पर्टिकुलर लेवल पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप रिसर्च कर सकते हैं तो और भी जाके आप थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक के बारे में फोकस कर सकते हैं। दूसरी बात करेंगे फेडरल बैंक की, ये भी देखिएगा पसंदीदा स्टॉक रहा है, छोटा है, डबल डिजिट का स्टॉक है और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहता है। अगर कोई भी पॉजिटिविटी क्रिएट होती है तो स्टॉक मोमेंटम भी देता है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो डिपॉजिट और एडवांसेस 10% से ग्रो हुए हैं। केरला बेस्ड ये देखिएगा बैंक है और काफ़ी बड़े देखिएगा जो इन्वेस्टर हैं राकेश झुंझुनवाला जी, उनके पोर्टफोलियो में भी ये बैंक है। आप देख सकते हैं उन्होंने हाल फिलहाल में शायद स्टेक भी बढ़ाया है स्टॉक में पर्टिकुलर, तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है स्टॉक में भी। अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे भी डिपॉजिट्स ग्रो हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं डिपॉजिट में आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है 156747 करोड़ से देखिएगा 171995 करोड़ की आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है कंपनी और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जितना डिपॉजिट आएगा उतना ही कस्टमर फेथ आएगा और फिर देखिएगा डिपॉजिट के फ्लो को क्या कर देंगे, डिसबर्समेंट में कन्वर्ट कर देंगे, लेंडिंग बढ़ेगी और अच्छी तरीके से यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सबसे खास बात क्या है यहाँ पे कि कासा रेशियो 62191 करोड़ के आसपास है अगर आप देखेंगे, और जिसमें 18% का इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। तो कासा बहुत अच्छा बढ़ा है, कासा रेशियो देखने को मिल रहा है आपको 36% का। लिक्विडिटी रेशियो देखिए कितना ज़्यादा बेहतरीन है, लिक्विडिटी रेशियो देखिएगा एक बहुत ही क्वालिटी लिक्विडिटी रेशियो देखने को मिल रहा है, नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं जो कि 22 अक्टूबर को आएंगे, पिछली बार अच्छे नहीं आए थे जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछली बार इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला था, तो इस बार अगर 22 अक्टूबर को जैसा कि डेट अनाउंस हो चुकी है यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है तो स्टॉक में 5 से 6% का मोमेंटम आ सकता है। स्टॉक में देखेंगे पिछले 6 महीनों में 9% के रिटर्न दिए हैं, स्टॉक ने 90 रुपये का हाई बनाया था तब से लगातार गिर रहा है और 80 रुपये के नीचे भी चला गया था, फिर वहाँ से देखिएगा एक बेस बनाया है, उसके बाद स्टॉक में आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है। स्टॉक के लिए सपोर्ट क्या होंगे देखिएगा 83 एक इम्पॉर्टेंट बेस सपोर्ट है, उसके बाद 81 ऊपर की तरफ देखिएगा 86 और 87 आने वाले दिनों में अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट आता है तो वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं।